जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है टाटा मोटर्स की 10.2/54 AC बस। इस गाड़ी का निर्माण धारवाड़ कर्नाटक में होता है। आज हम इस बेहतरीन बस के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्को पोलो सीरीज के जो डिजाइन है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, काफी अच्छे से फैब्रिकेट किया है। और मार्को पोलो जो बसेस होती है, खासकर स्टारबस सीरीज जो है, उनकी एक अलग लीगेसी है। बहुत पहले से ही ये लाखों कस्टमर के दिलों पर राज कर दिए। फ्रंट साइड में आपको ड्यूअल हैलोजन सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर यहाँ पर हैलोजन दिया गया है, और इस बस में फॉग लैंप भी मिल जाता है। अभी आप बोलोगे फॉग लैंप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो टाटा मोटर्स के जो बेस मॉडल की बसेस होती है उनमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलता है, यानी कि नॉन एसी बसेस में आपको फॉग लैंप नहीं मिलता है, बट ये टॉप मॉडल और एसी बस होने के कारण इसमें आपको फॉग लैंप मिल जाता है। और अगर आप चाहे तो टाटा मोटर्स के नेक्स्ट जनरेशन बसेस में यहाँ पर एक LED DRL भी आपको मिल सकता है। फ्रंट साइड में मार्को पोलो और टाटा मोटर्स की बैजिंग दी गई है। टोइंग हुक के लिए यहाँ पर जगह दी गई है कपलिंग, और ड्राइवर साइड में एक मिरर मिलता है, यहाँ पर एक प्रॉक्सिमिटी मिरर दिया गया है, और फ्रंट ग्लास को क्लीन करने के लिए यहाँ पर क्रॉस टाइप में वाइपर मिल जाते हैं, जो बस के ग्लास को ऑलमोस्ट 60-70% तक आराम से क्लीन कर देते हैं। जब बसेस रात में चलती है तो गाड़ी की जो हाइट होती है वो पता करने के लिए यहाँ पर अपर साइड में दो हाइट मार्कर लैंप भी दिए जाते हैं। जितनी गाड़ी फ्रंट से खूबसूरत दिखती है उससे कई लाख गुना ज्यादा ये गाड़ी साइड से ब्यूटीफुल लगती है। इस बस के डिजाइन में चार चांद लगते हैं इसके सील्ड ग्लास की वजह से। अब ये फुल्ली एयर कंडीशन बस है जिसकी वजह से आपको इसमें सील्ड ग्लास मिलते ही मिलते हैं, बट ये जो सील्ड ग्लास है दोस्तों, जब इस पे सन का रिफ्लेक्शन आता है तो ये फुल्ली ब्लैक कलर दिखते हैं। कैमरा ठीक से जस्टिस नहीं कर पाएगा, बट व्हाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। बस के साइड में आप देख सकते हैं फुल्ली आपको व्हाइट कलर मिलता है, और खासकर इसमें कस्टम ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपके कोई PSUs वगैरह है बड़े ऑर्डर से तो टाटा मोटर्स आपको कस्टम मेड कलर का ऑप्शन भी देते हैं, अगर आप चाहे तो बाहर से भी कस्टम कलर करवा सकते हैं। आपके ब्रांड के बैजिंग के लिए, आपके ट्रेवल्स के बैजिंग के लिए यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। और टाटा मोटर्स ने डिजाइन को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ब्लू ब्लैक में फ्रंट और बैक साइड में आपको लिवरी दी गई है। यहाँ पर टाटा स्टारबस की बैजिंग है, इसमें आपको न्यूमेटिक सीजर डोर मिलता है जो आप अंदर से ही खोल सकते हैं, आपको मैन्युअली खोलने की जरूरत नहीं, एक स्विच की मदद से आप ऐसे आराम से खोल सकते हैं। इमरजेंसी डोर बटन दिया गया है, आपातकालीन परिस्थिति में आप इसके डोर को खोल सकते हैं। इस बस में आपको 235/75R 17.5 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं, और इस बस के फ्रंट एंड रियर एक्सल पर आपको लिफ्टिंग सस्पेंशन दिया जाता है। इस बस में लगा हुआ है टाटा मोटर्स का 4 सिलेंडर 123 HP का इंजन, जो 390 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और माइलेज की अगर हम बात कर ले तो ये गाड़ी ऑन रोड 6 से 7 का माइलेज आपको देती है, पर ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में गाड़ी को चला रहे हैं, बट मोस्टली जो इसका ड्राइविंग परफॉर्मेंस है और माइलेज जो है वो ऑलमोस्ट 6-7 के आसपास है। इस बस का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है ये 10,200 kg का है। साइड में आपको यहाँ पर बैटरी बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा, इसी के साथ साथ यहाँ पर साइड में साइड टर्न इंडिकेटर मिलेगा। इसके अलावा साइड में 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको 4 साइड मार्कर लैंप दी जाते हैं। जब गाड़ी बंद रहती है तो सील्ड ग्लास बसेस में सफोकेशन की समस्या हो सकती है, तो इसे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ग्लास में इंटीग्रेटेड पोर्ट भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से जब गाड़ी खड़ी होती है तब इसे खोलकर गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन बना रह सकता है। इस बस में रियर एक्सल पर लिफ्टिंग सस्पेंशन मिलता है, अगर आप चाहे तो आफ्टर मार्केट एयर सस्पेंशन भी फिट करवा सकते हैं, और रियर साइड में आपको अल्ट्रा की बहुत बेहतरीन बैजिंग दिख जाती है। स्पेयर व्हील लोकेशन जो है वो यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से इसके स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हो। रियर साइड में ग्लास कट काफी बेहतरीन लगता है, रियर लुक्स नॉर्मल मार्को पोलो जैसे ही है। रियर साइड में हैलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं जिसमें ब्रेक लैंप, इंडिकेटर लैंप, रिवर्स लैंप शामिल है। पीछे आपको रिवर्स फॉग लैंप माउंट करने के लिए स्पेसिंग दी जाती है, यहाँ पर रियर रिफ्लेक्टर है, और रियर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसमें दी जाते हैं। रियर साइड में टाटा मोटर्स और मार्को पोलो की क्रोम बैजिंग दिखती है, यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप है। रियर अपर साइड में भी हाइट मार्कर लैंप्स दिए गए हैं, यानी कि पीछे से भी गाड़ी की जो हाइट है वो रात में आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका इमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ पर एक रेन वेजर भी मिलता है। चमक देखिए गाड़ी की, बहुत ज्यादा चमक रहा है कलर। बाहर के फिनिश के और कंपनी के फिनिश के कुछ अलग ही बात होती है। इस बस में 160 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। ड्राइवर साइड डोर की बात कर ले तो इस प्रकार खुलता है, यहाँ पर बॉटल होल्डर और न्यूज़पेपर होल्डर आपको मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, और ये बिल्कुल कार जैसा दिया गया है, और इसमें स्लाइडिंग विंडो मिलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एयर फिल्टर लोकेशन है, फ्लूइड रिजर्वायर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 2 स्टेप्स मिल जाती है आपको, इसके न्यूमेटिक स्विंग डोर की मदद से आप इसके अंदर एक्सेस करेंगे, यहाँ पर 2 स्टेप्स मिल जाएंगी, और यह है इसका शानदार इंटीरियर। इसमें 2x2 सीटिंग लेआउट मिलता है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 44 है। सीट जो है काफी कंफर्टेबल है, कुशनिंग आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट है,
और हर सीट पर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। रियर साइड से सीटिंग एरिया कुछ इस प्रकार दिखता है। देखिए रियर सीट्स को भी यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, यानी कंफर्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज टाटा मोटर्स ने नहीं किया है। इमरजेंसी एग्जिट अंदर से कुछ इस प्रकार दिखता है। एक्सेसिबिलिटी के मामले में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आपको आने वाली है, काफी बेहतरीन बस की बॉडी बिल्डिंग क्वालिटी है। यहाँ पर टूल बॉक्स दिया गया है। एयर कंडीशन का कुछ मेंटेनेंस वर्क वगैरह करना होगा तो यहाँ पर आप आसानी से इसे खोल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये काफी अच्छा लगा क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है। और इस बस में आपको अपर साइड में एलईडी डोम लाइट मिलती है, फ्रंट एंड रियर साइड में रूफ हैच मिलेगा, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन में इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। इस बस में आपको एंटी स्किड विनाइल फ्लोरिंग मिलेगी। अब सीट्स की बात करते हैं तो इस बस में आपको फिक्स सीट मिलते हैं, जिसमें अगर आप चाहे तो रिक्लाइनिंग सीट का भी ऑप्शन आपको मिलता है। और इस सीट्स के पीछे हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है, एक ये स्ट्रैप टाइप में मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है। 6 फीट का आदमी इसमें आराम से बैठ सकता है। मेरी हाइट भी 6 फीट है, 6 फीट के हिसाब से ठीक है, मतलब इतना ज्यादा मार्जिन नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1-2 उंगली का मार्जिन है, बट एक्सेप्टेबल है। लॉन्ग जर्नीस के लिए तो नहीं, बट शॉर्ट जर्नीस के लिए तो काफी बढ़िया हो सकती है। और एक खासकर स्टाफ बस है दोस्तों, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है वो 50-60-70 किलोमीटर तक होता है, मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक। ओवरऑल जो बस की फिनिशिंग है, फिट एंड फिनिश है, वो काफी ज्यादा बढ़िया दी गई है। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए यहाँ पर 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं एडजस्टेबल, यहाँ पर 2 रीडिंग लाइट्स के बटन मिल जाते हैं, और खासकर ये जो रीडिंग लाइट्स है दोस्तों वो एडजस्टेबल है, आप इसे मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कुछ पढ़ना होगा, कुछ काम करना होगा तो आप अपने लाइट्स को ही ऑन करके इस सुविधा का आनंद उठा सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। और ग्लास एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतना स्पेस आपको मिल जाता है, मतलब ट्रैवलिंग टाइम पे आप यहाँ पर हाथ वगैरह भी रख सकते हैं ऐसा। ग्लास का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ग्लास काफी बड़ा पैनोरमिक व्यू आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप जर्नी को भी काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। फ्रंट सीट के और रियर सीट के यहाँ पर इमरजेंसी हैमर मिलेगा, आपातकालीन परिस्थिति में आप इन ग्लासेस को तोड़कर बाहर आ सकते हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बस के साइड में टफन ग्लास मिलते हैं आपको, और बस के फ्रंट साइड में लैमिनेटेड विंडस्क्रीन आपको मिल जाता है। एडिशनल वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 3 AC वेंट दिए गए हैं। यहाँ पर 1 AC वेंट है इंडिविजुअल सीट्स के लिए, यानी कि ये जो सीट होता है इसे हम कंडक्टर सीट कहेंगे या गाइड सीट कहेंगे या को पायलट सीट कहेंगे, तो इसके लिए भी यहाँ पर टाटा मोटर्स ने एक एडिशनल एसी वेंट दिया है। ड्राइवर कंफर्ट के मामले में भी यहाँ पर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, यहाँ पर 3 AC वेंट मिलते हैं, अपर साइड में भी 1 AC वेंट मिल जाता है, यानी कि पूरे कैबिन एरिया को काफी अच्छे से कूल कर सकता है। और ये देखिए, ये इसका टोइंग हुक, जब आप टोइंग करोगे गाड़ी को तो इसका यूज होगा। और फर्स्ट एड किट हमने निकाल के रखा है आपके लिए, तो ये देखिए ये इसका फर्स्ट एड किट, इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम, स्टरलाइज ड्रेसिंग, स्टरलाइज इलास्टिक प्लास्टर, वॉशप्रूफ प्लास्टर, इलास्टिक बैंडेज, रोल गेज और इंस्ट्रक्शन सीट आपको इसमें मिल जाती है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। चलिए अब इसके ड्राइवर सेक्शन को देखते हैं और ड्राइवर को इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं वो जान लेते हैं। अंदर चढ़ने के लिए यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है, आप इसको पकड़ के अंदर आ सकते हैं। सो गाइस, ये इसका ड्राइवर केबिन एरिया। डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, डिजाइन काफी शानदार लगा, और इसमें आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। हैंडल करने के लिए काफी अच्छा है, आप इसको ऐसे ऐसे आप कितने भी हिसाब से चला सकते हैं आपके हिसाब से। और यहाँ से आप देखोगे तो कैप्टन पोजीशन मिलती है आपको, जब सिटीज वगैरह में चलाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉक्सिमिटी मिरर जो है इस प्रकार दिखता है, नीचे का कुछ होगा तो यहाँ से आराम से दिख जाता है आपको। अभी मैंने कैमरा को आई लेवल पे रखा है, जिसकी वजह से काफी अच्छा यहाँ पर पोजीशन आपको मिल जाता है। टाटा मोटर्स ने BS6 में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपग्रेड किया है, और यहाँ पर आपको RPM मीटर मिलता है, यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर गेज है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, और यहाँ पर फ्यूल लेवल गेज है। सेंट्रल साइड में आपको यहाँ पर मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी दिया गया है। मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको एयर प्रेशर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, DEF लेवल, हेवी मोड और लाइट मोड के कंट्रोल, साथ ही साथ क्लॉक, बैटरी वोल्टेज, इंजन रनिंग आर्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी, कई सारी खूबियां देखने को मिल जाती है। और अभी जो ये बस है दोस्तों, ये 5.8 KMPL का जो माइलेज है वो निकाल रही है, मतलब मैंने आपको जैसे बताया था 6-7 का इसका एवरेज है, तो वो कहीं ना कहीं बात सही होती आ रही है। दोस्तों बस के सेफ्टी में यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अभी देखिए बस का जो डोर खुला है, जिसकी वजह से इसके इंडिकेटर वगैरह भी चल रहे हैं, गाड़ी ऑन नहीं की है। अगर कोई चोर वगैरह होता है तो वो डोर खुलता है तो भी गाड़ी के जो लाइट्स वगैरह ऑन हो जाते हैं और सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें थेप प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। और कंट्रोल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये देखिए, अभी यहाँ पर कुछ कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका हजार्ड लैंप का बटन है, यहाँ पर इसका बैटरी कट ऑफ स्विच है। अगर ये स्विच दबा दिया ना भाई, तो कितना भी बड़ा महारथी हो गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैटरी सप्लाई काम नहीं करेगा तो बाकी के कंट्रोल्स तो ऑन ही नहीं होंगे। अगर आप कहीं पर गाड़ी पार्किंग वगैरह कर रहे हो तो बैटरी कट ऑफ स्विच बंद होने से बहुत ज़्यादा गाड़ी की सेफ्टी बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर OBD कनेक्टर पॉइंट है, OBD कनेक्टर इस प्रकार दिखता है, जिसकी वजह से आप गाड़ी को लैपटॉप लगा के काम कर सकते हैं, मतलब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा तो एरर कोड आ जाते हैं आराम से, जिसकी वजह से गाड़ी पर काम क्या करना है वो मैकेनिक और टेक्नीशियन को समझ आता है। यहाँ पर आप हेडलैम्प ऑन ऑफ कर सकते हैं इसकी मदद से। बेसिकली जो नॉब टाइप बटन आता है, ये खासकर मैंने वोल्वो की बसेस में देखा है और अभी टाटा की बसेस में आपको मिलता है, बहुत बढ़िया बात है यार। यहाँ पर क्लच फ्लूइड का रिजर्वायर दिया गया है, आप इसे खोलकर अंदर क्लच फ्लूइड इसका डाल सकते हैं, मतलब आसान बहुत कर दिया यार।
ये डायरेक्टली ऊपर होने के कारण इसमें क्लच फ्लूइड डालना काफी आसान है, जिसकी वजह से टाइम भी काफी बच जाता है सर्विसिंग के टाइम पे। बहुत सोच समझ कर टाटा मोटर्स ने यहाँ पर इसमें प्लेसमेंट दी है। यहाँ पर डोर ओपनिंग और क्लोजिंग के बटन दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप डोर ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये न्यूमेटिक स्विंग डोर आपको इसमें मिलता है, ये आप इन स्विचेस की मदद से ओपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर एक टॉगल स्विच मिलता है, यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट का कंट्रोल मिलता है। स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप वाइपर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में लाइट्स और इंडिकेटर के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। डैशबोर्ड कंट्रोल्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर हेवी मोड और लाइट मोड का बटन है। इस बस में वैल्यू कंपनी का एसी दिया गया है। वैल्यू कंपनी वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड्स है एसी में। एसी में बेसिकली तीन चार ब्रांड बहुत पॉपुलर है, जैसे कि जेटी एसी है, जिसे लोग जेटा कहते हैं। टीबीआर स्पेशल जो है वो स्कैनिया वोल्वो के ऑथराइज्ड वेंडर है। वैल्यू है, हायर है, हाइजर है, बहुत सारी कंपनियों के एसी आते हैं, बट टाटा में आपको टीबीआर स्पेशल और वैल्यू का एसी देखने मिल जाता है। कुछ बसेस में जेटी एसी का आता है, कुछ बसेस में हायर आता है। ये आपके ऊपर आप इसमें कौन सा एसी लेना चाहते हैं। अगर आप बाहर से बॉडी बनाते हैं तो आपको पूरा फ्रीडम होता है, आप इसमें कौन सा भी एसी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर इसका रिजर्वेशन ऑन करने का बटन है, यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ करने का बटन है। ये जो बटन है ना दोस्तों, बहुत सेंसिटिव बटन होते हैं, ये गलती से नहीं दबने चाहिए, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको खड़ी गाड़ी में करना पड़ता है, इसे चलते गाड़ी में नहीं करना चाहिए। ये स्विच गलती से ना दबे, इसके लिए यहाँ पर अपर साइड में प्लास्टिक कवर भी दिया है। अभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ छोटे बच्चे वगैरह आते हैं गाड़ी में, तो ये गलती से दबा सकते हैं इस स्विच को, और ये स्विच सेंसिटिव स्विच है। इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन कवर भी इसमें दिया गया है। इसी के साथ साथ दो डमी स्विचेस यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एग्जॉस्ट ब्रेक का बटन मिलता है, इसी के साथ साथ यहाँ पर सर्विस लैंप बटन मिलता है, यहाँ पर फैन है, यहाँ पर डोम लाइट के कंट्रोल्स है, यहाँ पर सर्विस लाइट का मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर डोम लाइट है। आप दिखा दो मैं आपको कैसा ये काम करता है। अभी अंदर देखना, अंदर से लाइट्स कैसे जलते हैं। आपने बैटरी कट ऑफ स्विच मैंने ऑन किया, ये देखिए अपर साइड में कैबिन में देख सकते हैं, कैबिन में भी यहाँ पर लाइट्स दिए गए हैं। बंद कर देते हैं यार, क्योंकि ये बैटरी कट ऑफ स्विच जब चालू करते हैं ना तभी बीप बीप साउंड करती है, क्योंकि अभी डोर खुला है मैंने। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर फ्रंट डोर ओपन और इमरजेंसी डोर ओपन की वार्निंग सिंबल भी मिल जाते हैं। अगर गलती से किसी ने खोल भी दिया तो भी आपको समझ जाएगा, और गाड़ी आपको तुरंत अलर्ट कर देती है, मतलब इसमें आपको कोई सेफ्टी के जो इश्यूज होते हैं वो इसमें आपको नहीं होंगे। अपर साइड में आपको यहाँ पर वाइड एंगल मिरर मिलता है, यहाँ पर है इसका सनवाइजर, और ये देखिए काफी हार्ड है सनवाइजर यार, मतलब बहुत कड़क बनाया गया है। इस बस के एंगल के हिसाब से ये सनवाइजर ठीक ठाक है, मतलब अगर वो स्लाइडिंग होता तो और अच्छा होता, बट ये भी एक्सेप्टेबल है। इसी के साथ साथ ड्राइवर के कंफर्ट के लिए यहाँ पर इनवेल का फैन दिया गया है। अगर गाड़ी एम्प्टी जा रही होगी तो भाई ड्राइवर एसी थोड़ी यूज करेगा, तो इसके लिए यहाँ पर एक फैन भी दिया गया है, मतलब पूरे गाड़ी को एसी लगाने का अच्छा ये फैन भी यूज ड्राइवर कर सकता है। फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। अगर बस में बाय चांस कहीं पर आग लगती है तो गाड़ी में जो जोन से यहाँ पर अलर्ट हुए, जैसे कि जोन ए, जोन बी, जोन सी, किसी सेंसिटिव पार्ट में आग लगती है तो गाड़ी अपने आप बुझने में समर्थ है। अपर साइड में जो स्पीकर के लिए स्पेसिंग दी गई है, अगर आप चाहे तो आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर फिट करवा सकते हैं। यहाँ पर इसमें लोग एलईडी स्क्रीन फिट करते हैं, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने कस्टमर के हिसाब से यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया है। अगर आप डिमांड करते हैं टाटा मोटर्स से तो आपको टाटा मोटर्स खुद भी म्यूजिक सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवा देती है। यहाँ पर एक दो तीन से तीन स्टोरेज कंपार्टमेंट है, और स्टोरेज कंपार्टमेंट के अलावा दोस्तों ये जो है खासकर मेंटेनेंस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। अभी देखिए ये हम इसे खोल लेते हैं, आप इसे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे जैसे फ्लाइट जैसा फीलिंग आता है एकदम बिल्कुल। और अंदर देखिए आप, ज्यादा कुछ नहीं है अंदर, जो इसके मेंटेनेंस वर्क वगैरह करना होता है, कुछ चेक वगैरह करना होता है तब आप यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। फाइबर बॉडी है, बहुत सारे लोगों की तकरार थी कि भाई यार फाइबर बॉडी है मजा नहीं है। जिनका एप्लीकेशन स्टाफ पर्पस के लिए सिटी में चलना है, मीडियम रूट के लिए गाड़ी चलानी है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर दो हैमर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है, अपर साइड में इमरजेंसी लैंप है, ये देखिए सेटिस्फेक्शन फीलिंग कवर कर देते हैं फिर से। तो अभी आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के हम जवाब देंगे। तो सबसे पहली बात कीमत। अब इस बस की जो प्राइस रेंज है वो यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आपके स्टेट के टैक्सेस के अनुसार इस बस की जो प्राइसिंग है वो ऊपर नीचे हो सकती है। दूसरा रीजन है आपके यहाँ पर डीलरशिप आपको कितना डिस्काउंट ऑफर करती है, कितना क्या आपको ऑफर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो प्राइस है वो कम ज्यादा हो सकती है। और तीसरा कारण है आरटीओ रजिस्ट्रेशन एंड परमिट फीस। तो आपके यहाँ पर जितने फीस वगैरह होंगे उस हिसाब से इस गाड़ी की टोटल प्राइसिंग डिफर हो सकती है। अब दूसरा सवाल आता है गाड़ी का माइलेज। अब देखिए इस बस का जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो 6 से 8 का है। हमने इस गाड़ी के 2-3 कस्टमर से बात की है जो ये गाड़ी को ओन करते हैं, तो उनका अनुभव है वो 6 से 7 का माइलेज इस गाड़ी से निकाल रहे हैं, और बेसिकली फुल्ली एयर कंडीशन बस है। अब आपका अगला सवाल होगा कि भाई साहब ये गाड़ी किसके लिए बनी है, इसे कौन कौन खरीद सकता है। तो इसमें 2-3 एप्लीकेशन है। सबसे पहला है स्टाफ एप्लीकेशन। अगर आपकी बस स्टाफ ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन के लिए चलती है, जैसे कि किसी कंपनी में, किसी आईटी कंपनी में, आईटी पार्क में चलती है, तो उनके लिए गाड़ी काफ़ी बढ़िया हो सकती है। दूसरी बात कुछ पीएसयूज होते हैं, जैसे कि
ONGC है और HPCL है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशन है बेसिकली जो उनके माइनिंग वगैरह ड्रिलिंग रिग वगैरह होती है तो वो बहुत ही गर्म जगह पर होती है, उस एप्लीकेशन के हिसाब से भी गाड़ी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। और AC और नॉन AC में एवरेज कितना फ़र्क पड़ता है वो भी आपको बताता हूँ, तो ऑलमोस्ट 1-2 का फ़र्क AC और नॉन AC में पड़ जाता है। और थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है साइट सीइंग एप्लीकेशन। अभी रामोजी फिल्म सिटी है या कोई गोरेगांव फिल्म सिटी है या कोई नेशनल पार्क वगैरह है तो वहाँ पर इन बसेस का काफ़ी अच्छे से उपयोग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी स्पेसिंग मिल जाती है, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर बसेस, और बड़ा व्यू आपको मिलता है और सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी गाड़ी की, तो जिसकी वजह से ये नेशनल पार्क्स वगैरह और साइट सीइंग पर्पज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और सीटिंग का जो लेआउट है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब इसमें आपको फिक्स सीट मिलते हैं, अगर आप चाहें तो कंपनी आपको इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स का ऑप्शन भी देती है, बट जितना इस गाड़ी में मिलता है इस प्राइस रेंज में वो बहुत अच्छा है। और इसमें कंपटीशन में आयशर है, महिंद्रा है, अशोक लैंड है, बट टाटा मार्को पोलो की एक अलग लीगेसी है, अलग खौफ है। ये डर मुझे अच्छा लगा। जैसे कि इनोवा के मार्केट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वैसे ही मार्को पोलो सीरीज की बसेस के मार्केट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और आपका चौथा सवाल होगा कि सागर भाई हम इसे रूट पे चला सकते हैं क्या, रूट परमिट के लिए लगा सकते हैं क्या, तो जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि 44 सीटर की बस है। अगर आप किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे बस लगाना चाहते हैं तो ये बस आपको बनी बनाई मिलती है, गाड़ी आई दूसरे दिन से काम शुरू। दूसरी बात, अगर आप इसे इंट्रा सिटी एप्लीकेशन यानी कि सिटी के अंदर घुमाना चाहते हो सिटी बस एप्लीकेशन के तौर पर, अगर आप कंपनी से रिक्वेस्ट करते हो तो आपको इसमें टाटा मोटर्स डबल डोर ऑप्शन भी देती है, जिसकी वजह से आप इस बस को एज अ सिटी बस एप्लीकेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है भाई, अभी जो बाहर का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 38-40 का टेम्परेचर है, और अभी ये गाड़ी मैंने फुल्ली पैक करके रखी है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना है कि ये गाड़ी बेसिकली जब सब ग्लास वगैरह बंद होते तो इसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो यहाँ पर मुझे सच में पसंद आ रहा है, जो सच है वो बता रहा हूँ, यहाँ पर पसंद आ रहा है मुझे क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इसके विंडो पोर्शन है उनको खोला नहीं है, अगर इसे हम खोल देते तो गाड़ी का जो वेंटिलेशन है वो ठीक से हो सकता है। भाई इतनी मेहनत करते थोड़ा सा एक लाइक कर दो वीडियो को, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं। और दोस्तों आपकी बहुत सारी भाई कंप्लेंट है कि सागर भाई आप वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे, बसेस के वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे, दोस्तों बस बिजनेस सीरीज के 2-3 एपिसोड आपके लिए रेडी हो चुके हैं, वो आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसा ही प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखे, तो मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। ये देखिए स्मूथ स्टार्ट है, बहुत स्मूथ स्टार्ट है, रेस देंगे थोड़ा सा। RPM देख सकते हैं सेटल है अभी यहाँ पर। पहले हम इसके न्यूमेटिक स्विंग डोर को ऑपरेट करेंगे, तो ये जो स्विच है दोस्तों आपको ये सिर्फ एक बार प्रेस करना है, ये देखिए आराम से ओपन होगा, अभी थोड़ा प्रेशर कम इसलिए थोड़ा लेट हुआ बट इंस्टेंट ओपन होता है। इसे हम दबाएंगे, ये देखिए ओपन क्लोज, क्लोज करने के लिए अपर साइड में दबाना है, ओपन करने के लिए नीचे दबाना है। और एयर कंडीशनिंग की बात कर ले तो बस का AC कैसे ऑपरेट करना पड़ता है तो ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए RPM आपका सेटल होना चाहिए, इसके बाद ये जो AC की कंट्रोल से इसकी मदद से अभी देखिए ये AC ऑन हो गया, इसकी मदद से आप ब्लोअर स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लो हाई। अभी एक्चुअली ब्लोअर स्टार्ट हुआ है, बस जैसे RPM बढ़ेगा ना दोस्तों वैसे इसका AC चार्ज हो जाएगा। अभी देखिए RPM तो सेटल है, देखिए RPM बढ़ा, RPM बढ़ गया दोस्तों, तो यहाँ पर AC जो है वो ऑन हो चुका है ऑलमोस्ट, यानी कि 750 RPM के आसपास जो AC है वो इसका एक्टिवेट हो चुका है, और इसकी मदद से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इसकी मदद से जो कूलिंग साइकिल है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, AC या ब्लोअर लगाना है वो आप इसकी मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हवा तो आपको मैं दिखा नहीं सकता बट माइक में जो फरफर का साउंड आता है ना उसके हिसाब से अंदर लगा सकते हैं, इसका AC ऑन हो सकता है। ये देखिए AC भी ऑन हो चुका है, अभी हवा आ रही है ठंडी ठीक ठाक से, पर AC कूल होने के लिए 1-2 मिनट का सेटल होने के लिए टाइम लगता है, जैसे कि आपने कार में होता है। तो इस प्रकार से जो बस का AC है वो काम करता है। बंद करने के लिए बस आपको ये दबाना है, देखिए RPM ड्रॉप हो गया। जब कभी आप गाड़ी पार्किंग करोगे तो बैटरी कट ऑफ स्विच को बंद करना मत भूलना।